आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी पर सारे देश का खास प्रोग्राम और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आइए आगे बढ़ते हैं ग्लोबल इंडिया रिपोर्टर की ओर, जो देश के अलग अलग हिस्सों से आपके लिए लाए हैं महत्वपूर्ण खबरें। नगर परिषद महुगांव अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सभी पार्षद गणों का शपथ विधि कार्यक्रम संपन्न। महू विधानसभा की सबसे बड़ी नगर परिषद महू गांव में ग्राम देवी मंदिर परिसर में क्षेत्रीय विधायक कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर तथा जनपद अध्यक्ष सरदार मालवी की गरमामयी उपस्थिति में नगर परिषद मुख्य कार्यपालन अधिकारी दिलीप श्रीवास्तव के द्वारा नगर परिषद अध्यक्ष नवीन तिवारी, उपाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण पवार और विजेता पार्षदों को शपथ ग्रहण करवाई गई। इस अवसर पर एक सादे मगर गरिमामय समारोह में क्षेत्रीय विधायक ठाकुर ने नगर परिषद के वासियों से आह्वान किया, सभी अपने घर के आसपास पौधारोपण कर पर्यावरण को बढ़ावा दे। इस वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया, इसलिए मेरा निवेदन, सभी अपने घर में एक क्रांतिवीर की तस्वीर जरूर लगाए, बच्चों को उसके इतिहास के बारे में बताए। भाजपा के वरिष्ठ नेता और क्षेत्र के विकास पुरुष रामकिशोर शुक्ला ने अपने संक्षिप्त उद्बोधन में कहा कि दीदी के मार्गदर्शन में नगर परिषद में काफी विकास कार्य हो रहे हैं। इस बार गंभीर शिप्रा लिंक परियोजना के द्वारा नगर परिषद को नर्मदा का पानी सभी क्षेत्रों में मिलने लग जाएगा। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए महू से श्याम खांडेकर की रिपोर्ट। नगर परिषद महुगांव के समस्त नागरिकों का और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ही ये प्रतिफल है। मैं सारा श्रेय मेरे कार्यकर्ताओं को और मेरे क्षेत्र के नागरिकों को देता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास करके कि एक ईमानदारी से पूरे क्षेत्र का विकास करने का जो संकल्प लिया, उसको हम लोग हमेशा इसको अनवरत जारी रखेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि सारे नागरिकों को उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नगर परिषद के माध्यम से दें। अगर पार्षद लोगों ने गड़बड़ करने का प्रयास किया तो हम लोग नागरिकों के साथ जा कर के और आंदोलन की स्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी खड़ी रहेगी। चूँकि हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे नेता हैं उषा दीदी, उन्होंने बताया कि क्षेत्र के विकास में हम कोई भी कमी नहीं रहने देंगे। उन्होंने बताया कि अभी 14 करोड़ की योजना नर्मदा की यहाँ आ रही है और मुख्य रूप से जितनी कॉलोनियाँ सब में पानी की समस्या है और वो पानी की समस्या अगर यहाँ निजात दिला दी जाती तो आप कल्पना करें कि सेंट्रल लाइटिंग मऊ शहर में नहीं है लेकिन हमारे नगर परिषद में है। ये सौभाग्य की बात है कि हमारे ऐसे नेता, हमारे दीदी जैसे लोग बराबर सक्रिय होकर हमको मार्गदर्शन, अपना आशीर्वाद देते हैं। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। महुगांव नगर परिषद के सभी पार्षदों ने, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने शपथ ली है और ये प्रण किया है कि हम महुगांव नगर परिषद में सेवा का एक नया इतिहास लिखेंगे। छठी बार भैया जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और उनकी रणनीति और राजनीतिक कौशल के चलते 6 बार यहाँ नगर परिषद का गठन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ है। भैया जी के मार्गदर्शन में ये सभी पार्षद साथी आज सेवा कार्य के लिए प्रतिबद्ध है और मुझे लगता है कि आम जनता के दुख दर्द को समझकर उसका समूल समाधान करना ये भारतीय जनता पार्टी के स्वभाव में है। मैं गर्व से कह सकती हूँ कि जितने शुचितापूर्ण चुनाव महुगांव नगर परिषद में हुए, लोकतंत्र की सही परिभाषा यहाँ परिभाषित हुई, सबने अपने मेहनत और खून पसीने की ताकत से विजय श्री हासिल की है और पार्टी ने बहुत ही समर्पित और पुराने कार्यकर्ता नवीन तिवारी जी को और लक्ष्मीनारायण पवार जी को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में जवाबदारी यहाँ पर सौंपी है। भारतीय जनता पार्टी का ये पूरा परिवार सेवा के लिए सदैव तत्पर है और कोई तकलीफ नागरिकों को कभी आने नहीं देगा।